लई थी तो लगभग 2 किलोमीटर दूर से एक लड़की कथा सुनने आती थी। जरा ध्यान से सुनना, एक जगह भगवान की कथा चल रही थी तो एक लड़की काफी दूर से अकेले कथा सुनने आती थी। तो एक दिन पंडित जी ने कह दिया कि राम का नाम ले लो और भवसागर तर जाओगे। और लड़की ने ये बात उनकी नोट कर ली। कथा जिस दिन विराम हुई वो लड़की पंडित जी के पास में आई और बोली, महाराज आपने 7 दिन इस गांव में कथा कही है, ऐसा करो एक दिन हमारे यहाँ चल के भोजन कर आओ, चल के आप चलेंगे तो हमारा घर भी धन्य हो जाएगा। पंडित जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो, चलो। वो लड़की पंडित जी को साथ में लेकर के जैसे ही चली तो रास्ते में एक बहुत बड़ी नहर पड़ती थी, नहर। तो जैसी नहर के किनारे लड़की पहुंची तो पंडित जी बोले, बिटिया यहाँ नाव तो है नहीं, जाओगी कैसे बाहर, उस पार कैसे जाओगी। लड़की बोली, पंडित जी तुम हो कहीं नाव चाहिए का। बोले हाँ क्यों। बोले अरे तुम तो कहते हो राम का नाम ले लो तर जाओ। पंडित जी बोले, हमका लागत या जो तेरा ही कराए को माननी है। पंडित जी बोले, तेरा दिमाग खराब है, वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था। अल्लु ऐसे कैसे कह दिया था। पंडित जी बोले, तुम ज्यादा बड़ी भक्तिन बन रही हो, तुम ही पार करके दिखाओ। लड़की बोली, अभी ले। लड़की ने राम का नाम लिया और पानी के ऊपर पैर रख करके निकल गई, उसे कुछ नहीं हुआ, सच्चे दिल से राम का नाम लिया। और जैसे ही लड़की निकल गई दूसरी छोर पे जाके खड़ी हो गई, उसने आवाज लगाई, पंडित जी राम का नाम ले लो, चले आओ, कुछ नहीं होगा। अब पंडित जी का अपनी पोजीशन मालूम है रहा है। पंडित जी बोले, आज हम बूढ़ी जाई भी पक्का, आज ये अल्लाह ही डारी। पंडित जी बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, बिना नाव के हम नहीं आएंगे। बोली, फिर हम कैसे आ गए, तुम्हारी बात को हमने नोट कर लिया, हम पार हो गए और तुमने कहा तुम नहीं पार होगे, चले आओ। अब पंडित जी बेचारे बड़ा परेशान, मनमा कहे हनुमान चालीसा जपे लाग ठाड़े ठाड़े, कहे राम जी आज बचा ले हो। और जैसे राम नाम लेके पंडित जी पांव आगे बढ़ाए नहीं, पांव गवार रपट खड़बड़ा गए वह पानी में, अठन्नी चवन्नी बनावे लाग, बूढ़े लाग कहे बिटिया बचाओ। बोले ले हो, तुम्हें राम का नाम ले रहे हो, तुम्हें बूढ़े जा रहे हो। इसका मतलब यह है कि जो माया रूपी बंधन में, जो रस्सी में पहले से ही बंधा है, वो दूसरे को नहीं खोल सकता। जो भाई खुद ही बंधन में बंधा, वो दूसरे को क्या खोलेगा। तो ये सत्संग रूपी ज्ञान गंगा है, इसमें जिसने भी गोते लगाए उसका कल्याण हो गया। कैसे हुआ बताया। अरे मन नहाई ले सतसंग बावरिया, और सतसंग सुधा सागर में, मन नहाई ले मोरक बावरिया, सतसंग सुधा सागर में। देखिए मन, अब सारे काम काज हमारे मन के ही ऊपर तो निर्भर हैं, इसलिए इस मन से कहना है, मन नहाई ले मोरख बावरिया, सतसंग सुधा सागर में। सागर में मीरा नहाए गई, हाँ अरे जा सागर में मीरा नहाए गई। लेकिन उन्हें अमृत पिलाई गए सांवरिया, सतसंग सुधा सागर में। I'm
बावरिया सतसंग सुधा सागर में, सागर में कौन कौन नहाया। अरे जा सागर में नरसी नहाए गए, हाँ अरे जा सागर में नरसी नहाए गए, और देखो भात भराई गए सांवरिया, हाँ देखो भात भराई गए सांवरिया सतसंग सुधा सागर में। मने नहाल को रख बावरिया सतसंग सुधा सागर में, मन नहाले मूरख बावरिया सतसंग सुधा सागर में।